जय हिंद। अगर आप हालिया घटनाओं में भारतीय नौसेना में जो हो रहे प्रगति पर अगर नज़र रखेंगे या उसके द्वारा जो एक्विजिशन किए जा रहे हथियारों को देखेंगे तो आपको ये संदेह होगा कि बहुत जल्दी भारतीय नौसेना कुछ बड़ा करने वाली है, क्योंकि भारतीय नौसेना अपने जितने भी डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाज है उसमें अमेरिकन मेड वो हथियार लगाने वाली है, नेवल गनशिप। आप इन गनशिप को देखेंगे, ये दिखने में छोटे होते हैं लेकिन ये सबसे बड़ी खतरनाक होते हैं, इन नेवल गनशिप। ये भारतीय नौसेना की या किसी भी नौसेना की पकड़ को बढ़ा देते हैं। ये गनशिप जो होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनका जो इन्हें 6 क्रू मेंबर चलाता है और ये ऑटोमेटिक होते हैं, जिस वजह से इनका निशाना कभी भी चूकता नहीं है और ये अचूक निशाना लगाते हैं, रडार के हेल्प से ये घूम जाते हैं। और ये समुद्री लुटेरों पे तो बहुत जबरदस्त करते हैं, या फिर जो डाकू वगैरह घुसते हैं, जैसे अजमल कसा भारत में घुस गया था, वैसे लोग के लिए तो ये व्यवस्था कर देते हैं। इनमें एक और खासियत क्या होता है, ये 15 डिग्री नीचे झुक सकते हैं और 65 डिग्री के आसपास ऊपर उठ सकते हैं। इस वजह से अब हमारी जो नौसेना है इसके अगल बगल में अगर दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर है या यूएवी है या छोटे नीचे उड़ रहे जहाज है तो इसको आराम से मार के गिराया जा सकता है। इसके लिए हमें करोड़ों रुपए की मिसाइल को बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये MK-45 जो नेवल गनशिप है इसे बहुत जल्दी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ये अमेरिका से ही समझौते को पहले से किया जा चुका था। ये फुली ऑटोमेटिक है, 6 क्रू मेंबर इसे ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, इस गन से ना हम लोग खास करके समुद्री लुटेरों पे तो बहुत तेज से हम हमला कर सकते हैं। समुद्री लुटेरों की बोट छोटी होती है, उस पर ये ऑटोमेटिक हमला करता है, एकदम सटीक निशाना लगाता है उस पर। ये गन ना बहुत तेजी से मूव कर जाता है, कहीं भी आराम से तुरंत मूव कर जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए, इस गन में लगा हुआ यहाँ का रडार इसे बताता है अगर कोई जहाज आएगी तो ये अपने से घूम जाएगा। देखिए, जहाज आ रही थी तो ये अपने से घूम गया और रडार इसको बता देता है। देखिए, इस ऑटोमेटिक गन का एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारे जो नौसेना है उसमें INS जलस्व है, वो एक एम्फीबियन जहाज है। एम्फीबियन उसे कहते हैं जब दूसरे एरिया में भी वो जाके सैनिकों को उतार सकता है। जैसे ये एक एम्फीबियन जहाज जो होता है ये किसी भी देश के तट पर लगा दिया जाता है और ये टैंक वगैरह को क्या करता है, उतार देता है। जैसे हम ही को किसी दूसरे देश में हमला करना है, चाइना में जाके हमला करना है, तो नौसेना जाएंगे वहाँ पे तो समुद्र में नहीं रहेंगे, अपनी सेना को उतारेंगे। तो सेना को जब उतारा जाता है तो एम्फीबियन जहाजों से उतार दिया जाता है और ये टैंक वगैरह लेके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी कि चाइना वहां चुपचाप बैठा रहेगा, वो भी तो वहां बैकअप फायर करेगा। तो इसके लिए नेवल गनशिप जो होते हैं सब दूर लगा के गनशिप को यहां से और उसमें बैकअप फायरिंग दिया जाता है, जिससे कि इनको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना में अभी पहला जो इसका फ्लीट शामिल किया गया है INS ये जो वरुणास्त्र का, ये भारतीय नौसेना का DRDO द्वारा बनाया गया एक टॉरपीडो है। टॉरपीडो समुद्र के अंदर चलने वाली मिसाइल को कहते हैं, इसे सबमरीन किलर कहा जाता है। ये अंदर अंदर मार देती है, बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। द्वितीय युद्ध में हिटलर की नौसेना ने सबसे भयंकर तबाही मचाया था। जो किसके बदौलत मचाया था ये तबाही, तो उसने अपने इन्हीं टॉरपीडो के मदद से बनाया था, क्योंकि ये सबमरीन के अंदर लगती है। विदाउट टॉरपीडो सबमरीन कुछ भी नहीं है, सबमरीन का मुख्य हथियार यही होता है टॉरपीडो। इन टॉरपीडो को हम जहाजों से भी लॉन्च कर सकते हैं और पनडुब्बियों से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये जो वरुणास्त्र हमारा जो टॉरपीडो है इसकी कुछ अच्छाई भी है तो कुछ खराबी भी। भैया, ये 1500 kg का है, इसकी स्पीड 74 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बहुत ज्यादा तो स्पीड नहीं है, और इसका मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। तो 40 एक मारक क्षमता भी कम है और स्पीड भी कम है, तो इसकी कई लोग आलोचना कर रहे हैं। स्पेशली चाइना तो है, लग रहा है जैसे इसके लिए लग रहा है कि ये कोई टॉरपीडो नहीं, उसके लिए सिगरेट है, किसी काम का नहीं। अरे भैया, हम हिंदुस्तान वाले हैं, लोग जुगाड़ बचपन से सीख के पैदा होते हैं लोग, हमेशा हमारे यहाँ जुगाड़ लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जापान की जो टॉरपीडो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और रूस की जो टॉरपीडो है वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो उस हिसाब से भारत की तो ये टॉरपीडो किसी काम की नहीं, कि दुश्मन की पनडुब्बी को मारेंगे आराम से निकल जाएगी। ये टॉरपीडो पानी के अंदर दुश्मन की पनडुब्बियों को भी मार देते हैं सब। अब हम कैसे मारेंगे? मान लीजिए कि हमारी कोई दुश्मन की पनडुब्बी दूरी पर है, 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो मार ही नहीं पाएगा, उस पर से इतना धीमा जाएगा कि ये भी भाग जाएगा वहां पर। तो इसके लिए हम लोग देसी टेक्नोलॉजी को भारतीय नौसेना जोर दे रही है। अब हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि सेना से जुड़े चीजें बाहर बहुत कम होते हैं। वैसे हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि नौसेना ये विचार कर रही है कि इन टॉरपीडो को हम रोमियो हेलीकॉप्टर पर सेट कर देंगे। अब मान के चलिए कि भैया टॉरपीडो का ना स्पीड कम है, ये हेलीकॉप्टर का तो स्पीड ज्यादा है, ये धड़धड़ा के भागेगा, पनडुब्बी भाग 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 दौड़ा के फिर मार देगा यहाँ पर। इसके अलावे हमारे पास सबसे खतरनाक जो है P-8I है। P-8I को हम लोग सबमरीन हंटर के नाम से जानते हैं, पोसाइडन एयरक्राफ्ट है। इसके लिए भारत बहुत बड़ी खेप में रखा है, एशिया में सबसे ज्यादा यूज P-8I का भारत ही करता है। अब ये जहाज है, इसकी तो रफ्तार बहुत ज्यादा है, ये 700 किलोमीटर प्रति घंटा की
रफ्तार से चल सकता है। तो ये 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और इसी में हम लोग लगा देंगे लोग अपनी टॉरपीडो को, और ये पूरे हवा में रहते हुए भी दुश्मन की पनडुब्बियों को देख सकता है। तो हमारी पनडुब्बी का स्पीड भले 74 किलोमीटर है, लेकिन इसके पीछे जो ये जहाज उड़ रहा है ये तो 700 किलोमीटर है, 774 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है, तो आराम से हम लोग मार सकते हैं। तो चाइना अपने हिसाब से सोच रहा है, वो अपने लोगों को समझाता है कि सी जिनपिंग बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं, हम लोग भी पूरा व्यवस्था बन के रखे हैं, लोग 62 नहीं है ये। भारतीय वैज्ञानिक डीआरडीओ का जो प्रस्ताव है वो लोग एक सुपर टॉरपीडो बनाने जा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और पहला टॉरपीडो होगा, सुपर टॉरपीडो। इन लोग का कहना है कि हम लोग पनडुब्बियों को सैटेलाइट से देख लेंगे और मान के चलिए वो 300 किलोमीटर है 400 किलोमीटर है कुछ मिनटों में मार देंगे। पूरी दुनिया तहलका मच गई कि भैया ये कौन सा टॉरपीडो बना लिया सर। तो हमारे वैज्ञानिकों ने जुगाड़ लगाया, उन्होंने क्या किया, डबल स्टेज की मिसाइल बनाई, क्रूज मिसाइल जो नीचे नीचे उठती है, इसका शुरुआती जो हिस्सा बना दिया गया, इस शुरुआती हिस्से को मिसाइल बनाया गया है और इसके पीछे लगा दिया गया है टॉरपीडो। क्या किया जाएगा, जब इसे फायर किया जाएगा तो ये 700-800 किलोमीटर की रफ्तार पे जाएगी और जब देखेगी इसका सेंसर बताएगा कि नहीं यहीं पे पनडुब्बी है तो ये उससे अलग हो जाएगा इसका टॉरपीडो और पानी में घुस के मार देगा। तो अब मैरीटाइम में भी चाइना की दखलअंदाजी बहुत बढ़ गई है। रीजन क्या है, हमारे में सबसे बड़ी खराबी है कि अगर हम लोग दिन रात एक करके पनडुब्बी बनाने के लिए लग जाए ना तो 100 साल में हम पनडुब्बियों के मामले में चाइना की बराबरी करेंगे। ये हम भारतीयों के लिए बहुत शर्म की बात है कि चाइना पनडुब्बियों के मामले में इतना आगे चला गया, 72 पनडुब्बी बना चुका है, वो दूसरे देशों को क्या कर रहा है, बेच रहा है, पाकिस्तान को भी बेच रहा है, और हम लोग अपनी पनडुब्बियों को नहीं बना पा रहे, फ्रांस की मदद ले रहे हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि भैया ये हमारी तो गलती है लेकिन इसे सुधारने में बहुत वक्त लग जाएगा और जल्दी सुधरेगा भी नहीं। तो इसलिए काम करते हैं कि दो रास्ते हैं, कोई आदमी आगे निकल गया कोई पीछे है, इसकी बराबरी करनी है तो अपना स्पीड बढ़ा दो नहीं तो ओकरे मार के कमर तूर दो। तो भारतीय सेना ने सोचा है, नौसेना ने, कि अपना स्पीड तो ससुरा बढ़िए नहीं रहा है, हमारे यहाँ नेता लोग के उतना पैसा सेना पे देते नहीं है तो ओकरे मार के कमर तोड़ दो। तो हम लोगों ने बेसिकली पूरा फोकस कर दिया है कि चाइना के सबमरीन को मार के गिराने के लिए। इसी कड़ी में ये सुपर टॉरपीडो है, इसी कड़ी में हम लोगों ने P-8I खरीद के लाया है, दुनिया में एशिया में सबसे ज़्यादा P-8I हम ही लोग यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नौसेना के लिए आगे बढ़ रही है। नौसेना बहुत जल्दी 2024 तक वो अपना कुछ खास प्लान को लेकर चल रही है जिसके तहत वो ब्लू ओशियन नेवी बनने जा रही है। ब्लू ओशियन नेवी उसे कहते जो दूर समुद्र में भी बिना किसी रसद सप्लाई के भी एक अच्छे ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। भारतीय नौसेना का जो अगला टारगेट है वो रेल गन को विकसित करना है। रेल गन अभी क्या है, सैन्य क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेल गन पे भारत में काम किया जा सकता है। डीआरडीओ ने भी कहा है कि हम रेल गन बनाने में सक्षम है। इतना खतरनाक गन है कि सोचिए अगर इसको 10 मिनट चला दिया जाता है तो इसके बंदूक का नली गल जाता है, इतना खतरनाक ये रेल गन है। तो ये रेल गन पे भी काम चल रहा है। एक्चुअली रेल गन का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो में हम बताएंगे रेल गन क्या होता है। और अभी जो क्रूज मिसाइल जो बनाया गया है ब्रह्मोस को, उसकी रफ्तार रेंज को 800 से 1500 किलोमीटर कर दिया गया, तो इसमें आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है, टेक्टिकल मिसाइल और स्ट्रेटजिक मिसाइल में क्या अंतर होता है, सुपरसोनिक सबसोनिक मिसाइल में क्या अंतर होता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज में क्या अंतर होता है, डिकॉय क्या होते हैं, सब ये सब मिसाइलों का एक अलग ही एक क्लास होगा इसका। आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना भाई कि देखिए रेलवे NTPC और ग्रुप डी इन दोनों के एग्जाम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत बड़े मायने रखते हैं साइंस के पोर्शन के लिए, तो इसके लिए बहुत दिन से इन किताब लिख रहे थे तो इस किताब को फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। इस किताब में टोटल आपके 2300 क्वेश्चन है सर। ये किताब को लॉन्च होने में टाइम क्यों लग गया, तो उसका कुछ रीजन थे, गलती हम ही से हुई थी। हमको इस किताब का रेट रखना था बहुत ही कम, इसके लिए हम बहुत सबसे सोचे कि जो कागज़ हमको कम मिलेगा उसी से लेंगे। तो हमने कंपनी को बोला कि भैया हमको रेट कम रखना है, हमको सस्ता कागज़ चाहिए लेकिन कागज़ की क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। उस ससुरा कागज़ मंगा लिया था चाइना से, जब हम बिलिंग देख रहे थे कि मतलब जब पता किए कि कागज़ कहाँ से है चाइना से, हम कैंसिल किए कि ससुरा वापस भेज ससुरा चाइना का कागज़ लेंगे, हमारा तो 2 पैसा महंगे रहेगा थोड़ा सा लेट हो जाएगा। वो कहा कि सर लेट हो जाएगा शिपमेंट को वापस भेजने में, भाड़ में जा ससुरा यहाँ दिन रात हम चाइना को अगर आते रहते तो हमारे किताब चाइना के कागज़ से बेचेगा। इस वजह से इस बुक को आने में लेट हो गई, लेकिन अभी इन 40 शहरों में इस बुक को पहुँचाया जा चुका है, पूरा वहाँ पर पहुँच गया, स्टॉक आ चुका है, हम सबसे बात कर लिए, ये इन लोग का नंबर है, यहाँ पर इसको पहुँचाया जा चुका है। ये बुक काफ़ी सस्ती में भी है, 280 पेज की ये बुक है, देख सकते हैं इसको।